देखो ये भी ले ले पार्ले जी, दो हाथ में डबल करी पार्ले जी दोनों का। अरे कान में गुड मॉर्निंग, ए गुड मॉर्निंग। तो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, है ना? थोड़ा देर रुको, मालिश कर देगा, थोड़ा रुको, एक सेकेंड, आ रहे हम। आए रुको, आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम। ये फिर का चिको तुमको भी ले रहा है, रुको थोड़ा देर रुको, ले 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 ले, ले रहा है अभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या बना रहा है? ओ ये हम लोग का आज ब्रेकफास्ट में होगा, ये ब्रोकली, बीन, मटर और ये सॉसेजेस, बहुत सारा प्रोटीन, फाइबर, हैवी ब्रेकफास्ट। फिलहाल तो चाय तो चाहिए, जो भी हो चाय इज इम्पोर्टेंट। तो गाइस बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि पता है तुमको क्या क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन ये है कि रुको एक सेकेंड, हाँ, तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि बच्चा को क्या खिलाया है, सॉलिड में क्या खिला रहा है अभी? पागल हो गया क्या? रुको मैं जिसको भूख लग रहा है फिर बात कर रहे हैं, रुको। क्या क्या ऐसा दिखा है एक्सप्रेशन? क्या कर रहा है तुम? क्या कर रहा है? समझ जाना क्या कर रहा है, ऐसा वो बना दे जी को। ए क्या हुआ भाई? कल जूस के लिए दोनों झगड़ा लग रहा था। अच्छा लगा उन लोगों को जूस? कल तो एकदम चिकोर का ना छीन छीन के पिए। और कल क्या हुआ मालूम है? जिस दिन हम बोल आया था ना पोमोग्रेनेट, उस दिन मीठा हुआ था। हाँ कल मीठा हुआ था, अच्छा से। हाँ उस दिन थोड़ा खट्टा खट्टा लगा हमको भी। हाँ अच्छा, देखो बाप रे गुस्सा दे, देखा ये ए खाना खाओ। देखो प्रो प्रोनेस देख रहे हैं, प्रोनेस प्रिया प्रो दो पोच का खाएगा ये, एक ही के बनाओ, एक ही अच्छा लगता है हमको, दो ज्यादा हैवी हो जाता है। हम देख लेगा, जाओ घूम जाओ। गरम हो गया है तेल प्रिया, हम डाल दे। क्या हुआ नहीं खा रहा है? ए क्यों नहीं खा रहा है? हाँ बनना क्या नहीं होगा? ये राम रुको रुको कपड़ा ले गया रहा है। लो देखो तो मान क्या है, इतना बदमाशी क्यों? बच्चा है, बदमाशी नहीं करेगा तो कैसे कैसे होगा, है ना? करना पड़ता है बदमाशी। अगर मान लो एक बच्चा पूरा शांत एकदम कुछ भी नहीं करता है, उसको डॉक्टर को दिखाने का जरूरत होता है ना, कितना बोरिंग होगा वो? नहीं बोरिंग नहीं, वो सच में प्रॉब्लम का बात है और वो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चा कुछ भी शैतानी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। हम तो ऐसे मतलब मजाक मजाक में बोला था, लेकिन ये सच है। हाँ क्या? ओके ओके। बच्चा अगर खेलता नहीं है, बदमाशी नहीं करता है, हंसता नहीं है, रोता नहीं है, मतलब सिर्फ या फिर सिर्फ रोता है, हंसता नहीं है, बदमाशी नहीं करता है, शांत है सिर्फ, तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखो तो ये क्या कर रहा है मालूम है? ये इधर से पार करके बाहर फेंकेगा अभी, देखो। अच्छा नहीं फेंकते, अच्छा इधर रखेगा क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। कानू खाना खाओ, जाओ आओ 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 इधर आओ 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 आ आ आ पगला चीकू पगला आ कानू ऐसे कानू 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 को दो कानू को दो आ आ आ कानू आ खी दिया है कि नहीं? खाए अब इसको दो, ए खाओ ए चीकू ले ब्राउनी। ये चीकू खाना नहीं खा रहा, लेकिन ब्राउनी। ये ब्राउनी कौन है अब? ए हम एक तो ब्राउन कलर का कुत्ता है। ए ब्राउनी, हमको ही नहीं पता ब्राउनी। उस दिन तुम और माँ दोनों चला गया था, तो हम अकेला नहीं था इन लोगों के साथ, तो यहाँ एक घंटा इन लोगों को बैठने में रखा, तब पता नहीं कहाँ से वो ब्राउन कुत्ता और एक कलरफुल
वो क्या होता है वो मुर्गी एक ठो आया, फिर वो बिल्ली, बिल्ली नहीं मुर्गी और ये कुत्ता, ये दोनों उस दिन जान बचा लिया मैंने दोनों को। एक घंटा हम आधा रोटी चाय के साथ, आधा रोटी यहाँ में बरना में खड़ा खड़ा खिला दिया कुत्ता और मुर्गी को देखते देखते। अभी हम चेकी को मिस करते हैं हम भी। एक चम्मच लास्ट, एक चम्मच, एक चम्मच लास्ट, लास्ट है लास्ट, एक चम्मच लास्ट बोल रहा है चिकू रे, लास्ट 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 बाबू लास्ट लास्ट। आधे दे लेना, हो गया डन। आधा घंटा से ज़्यादा हो गया होगा ये बनाया हुआ, अभी तक तो ठंडा हो गया होगा। तो गाइज आप लोग ये दो डब्बा देख रहे होंगे, ये दो डब्बा में से इसमें है होममेड सेरेलेक और इसमें है चावल का गुरा जो कि घर में रेडी किया हुआ है। तो ये हम लोग 6 महीने से इन लोग को खिला रहे हैं अब तक, तो 6 महीने से हम लोग सॉलिड स्टार्ट कर दिया था, तो यही से इसी से हम लोग स्टार्ट किया था फर्स्ट सॉलिड फूड। तो अभी हम लोग 8 महीने से इन लोग को खिचड़ी देना चालू किया है, लेकिन उससे पहले इन लोग खाली ये दोनों ही ट्राई किया था 6 महीने से 8 महीने तक, अभी भी कर रहे हैं ये। लेकिन हम लोग अभी और एक आइटम ऐड कर दिया, वो है खिचड़ी। और खिचड़ी बनाने का प्रोसेस जो है वो एकदम सिंपल है। प्रिया एक बार फिर से बोल दो खिचड़ी बनाने का प्रोसेस। खिचड़ी में आप एक बच्चे के हिसाब से आप क्वांटिटी देख लो, जो जोहा चावल होता है वो थोड़ा सा, मूंग दाल उससे थोड़ा सा कम, और उसके बाद आप दे दो कैरेट्स, दे दो अभी गाजर, दे दो अभी, या फिर सीजनल सब्जियां, सीजनल सब्जियां। मटर का आपको बोला है गलने के बाद छिलका निकाल देना क्योंकि वो अटक सकता है बच्चे के गले में। फिर बीट खींच के दे दो, तब क्या ये सब ये आप खींच के दोगे ना तो उसका फ्लेवर्स तो अच्छा आएगा ही, प्लस आपको खिलाने में आसानी होगी क्योंकि वो पूरा गल जाएगा, तो इसलिए आपको ज्यादा मैश करने की जरूरत नहीं है, बस यही। और जो सब्जी आप देना चाहो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पपीता दे सकते हो, पपीता भी अच्छा होता है, पपीता बहुत अच्छा होता है तो दे सकते हो, लेकिन लूज पोटी होने से पपीता नहीं देना चाहिए। हाँ ऐसा ऑब्वियसली नहीं देना। ये चम्मच दिख रहा है आपको, ये चम्मच से लोगों को खाना खिलाता है, तो इस चम्मच से 2 चम्मच घी, एकदम छोटा चम्मच है, ये बच्चा का चम्मच है इतना साइज का, देख रहे हो इतना, एक अंगुल का। तो ये चम्मच से 2 चम्मच घी हम 2 बच्चा का खाना में देते हैं, तो आपको 1 चम्मच देना है 1 बच्चे का खाना में। और गाइस ये सब का वीडियो ना हम ऑलरेडी बना के रखा है, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको ऊपर वीडियो, इसमें सारा प्रोसेस बनाया दिखाया हुआ है ये घर में कैसे बनाना चाहिए। तो या ये सब बनाओ खिलाओ। और ये 2 डब्बा है खरीदा हुआ, इसमें नीचे है सेरेलेक और ऊपर है दूध, ये सिर्फ रात को काम आता है, और दूध दिन में भी काम आता है, लेकिन सेरेलेक जो है ये दिन में काम नहीं आता, ये सिर्फ रात का टाइम में, मतलब इन लोग सोने के बाद 10:30, 12:30 और 3:30 ये 3 टाइम उठता है ये, तो ये 3 टाइम इन लोग को ये दिया जाता है सेरेलेक, और साथ में ये दूध, ये दोनों मिक्स करके, दूध 2 चम्मच और सेरेलेक 3 चम्मच, ये मिक्स करके हम लोग बना के ये रात को खिलाता है। तो गाइस ये वाला जो वॉल है इसमें हम लोग एक्चुअली बैलून चिपकाया था, वो वॉल का सेलोटेप अलग आता है, लेकिन इसमें अलग सेलोटेप मार दिया था, मतलब नॉर्मल सेलोटेप मार दिया था, तो अभी वॉल का कलर जा रहा है। तो एक अभी हम लोग सोचा है, क्या सोचा है, जैसे ये सेलोटेप लगाने के बाद, उठाने के बाद जो ये प्रिंस बैठ गया ना, तो हम लोग ये पूरा वॉल में अभी सेलोटेप लगा के ऐसे से उठा देगा, तो वो एक डिजाइन बन गया वॉल के ऊपर। ये सब तो पहले का लगा हुआ था, नया से और करना होगा, लेकिन ऐसे खराब नहीं लग रहा है, वो करके देखना होगा फुर्सत में, फुर्सत में। हाँ ये हमको लग रहा है अच्छा तो लगना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी तो इसको कलर करना ही है, तो एक बार ट्राई कर देखने में क्या ही जाते हैं। हे हम लोग अभी दुकान जा रहे हैं, दुकान चिकू को ही भेज देता हम नहीं आता मालूम है, लेकिन चिकू बोला नहीं चलो दादा साथ में। चिकू जाएगा दुकान। तो ये रहा पानी का प्रॉब्लम, सब लोग ऐसे ही पानी लाते हैं इधर, पानी का गाड़ी में से जो खरीदते हैं ना वैसे खरीद नहीं सकते यहाँ पे पानी, सबको ऐसे ही बाहर लेके आना पड़ता है, हार बोलते हैं हम लोग। पानी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही है हम लोग का भी, आज का दिन जाएगा और कल तक तो ख़त्म, फिर ऐसे ही खरीदना पड़ेगा। ए तुम्हें को ऐसे लेफ्ट साइड में लेने से ना, मेरा सिर्फ लेफ्ट साइड का पैसे भी बनेगा, राइट साइड को भी आना होगा, रुको अब होना बराबर। राइट साइड में थोड़ा लेने में हमको दिक्कत होता है, बैलेंस नहीं आता, लेफ्ट साइड में सही बैलेंस आ गया, वापस आ गया घर। काना क्यों रो रहा है देखते हैं, चलो कानू पिल्टोस अच्छा पॉटी जाप हो रहा है बाबा। तो गाइस अभी नहा के आने के बाद इन लोग जब सोता है ना, सोने से पहले इन लोग को एक मील और दिया जाता है, तो वो जो मील है वो मील ये रहा, इसमें क्या करेगा थोड़ा थोड़ा पानी लेगा, इतना एकदम थोड़ा बस सा दूध मिल जाए इतना। हाँ तो अगर आपका दाल गर्म है ना तो आपको पानी देने का जरूरत ही नहीं, मतलब जो सेरेलेक बनाया हुआ है घर में वो अगर गर्म है तो आपको पानी मिलाने का जरूरत ही नहीं है।
तो जो घर में बनाया हुआ सेरेलेक है ना, तो वो रहा ये, ये सुबह ही बना के रख देता है हम लोग, ये दिन तक चल जाता है ठंडा का दिन में, तो इसको फ्रिज में नहीं रखने से भी होगा। ये बना के ऐसे लिक्विड टाइप का, ये होममेड सेरेलेक जो है ना गाइस वही है ये, ये पानी के उबाल के हम लोग बनाए हैं इसको। और ये जो अभी दूध है ये लैक्टोजन 2 है, तो आप लोग देख लेना आपका कौन सा नंबर चाहिए, लैक्टोजन 1 ही चाहिए या 2 ही चाहिए। और 1 से तो नहीं होगा, 2 ही चाहिएगा, 6 महीने के बाद ही तो देना पड़ेगा। तो लैक्टोजन 2 जो है ये 2 चम्मच यहाँ पे दे रहा है, और इसके बाद बाकी का जो होगा बोतल में सारा ये जाएगा दाल, ये सेरेलेक। हाँ हाँ, अभी देखो क्रैंकी हो रहा है ना, अभी ये पी के सो जाएगा। ये हम लोग का 2000 सब्सक्राइबर होने वाला है ना, और 250 मन चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। ऑल थैंक्स टू यू गाइस जो भी सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। 750 कब हो गया पता ही नहीं चला, ये दिसंबर 20 तारीख को बहन का बर्थडे के दिन तो 1000 हुआ था, ये 750 बहुत जल्दी हो गया। कमेंट देते रहना, कमेंट देते रहने से क्या होता है ना, आप लोगों के साथ एक कनेक्शन बन जाता है हम लोग का। हाँ, हम लोग को भी पता चलता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वीडियोस अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ना। हाँ, तभी हम लोग सुधारेगा अपने आप को और बेटर करेगा, और वो जो कन्वर्सेशन होता है ना हमको उसमें बड़ा मजा आता है। हाँ, मतलब आप लोग भी अपना बात सब हम लोग के साथ शेयर करते हैं, आप लोग को भी कुछ जानना होता है, इनफैक्ट हम लोग को भी कुछ जानना होता है जो आप लोग बताते हो कमेंट्स में, तो वो अच्छा लगता है हमको। जो कनेक्शन बन रहा है ना हम लोग के बीच में वो अच्छा लगता है, और वो इम्पोर्टेंट है। तो नीतुल तो ऑफिस चला गया, ऑफिस जाने से पहले पहले वो कान्हा को सुला के गया था, आप लोग देखा ही, तो उसके बाद कान्हा उठ गया था एक बार, तो हम इसका पोजीशंस वगैरह सब चेंज कर दिया, गाड़ू वाड़ू चेंज कर दिया, क्योंकि दिन में इसको हम लोग का गाड़ू में सोना ही पसंद है। तो लेकिन अभी हम इसीलिए आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, क्या हो गया, बच्चा जब सोता है ना तो हम लोग को लगता है मौसम ठंडा है तो कंबल वंबल देना, फुल कपड़ा पहना के हम लोग वही करते हैं, तो हम भी वही किया, क्योंकि आज थर्मल वगैरह कुछ नहीं पहना के रखा था, अभी सिर्फ फुल ड्रेस पहनाया और एक कंफर्टर पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं है ये उड़ाया था हम। लेकिन हम अभी अभी नोटिस किया कान्हा का सर से पूरा ये सब भीग गया, पसीना पसीना हो गया, भीग गया था ये सब। तो ये चेक करते रहना, क्योंकि अगर बच्चा को पसीना आ रहा है, अगर उसको गर्मी लग रहा है, तो बाद में इसका सीरियस कंडीशन फेस करना पड़ सकता है हम लोग को। तो इसीलिए जब बच्चा को गर्मी लगे तो तुरंत ऐसा एनवायरनमेंट करो कि उसको नॉर्मल फील हो। तो इसीलिए हम कंफर्टर वगैरह हटा दिया, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है तो हम उसको सुला देते हैं। तो कान्हा को गर्मी लग गया और कान्हा उठ गया, है ना कान्हा, गर्मी आ गया, गर्मी आ गया, पसीना पसीना हो गया, देखो चूल्हे को क्या बड़ा पसीना पसीना हो गया हमको, मैं नीनी टूट गया, इतना गर्मी लगा। एक्चुअली आज हम खिड़की बंद कर दिया था तो थोड़ा भी हवा नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भी हवा नहीं आ रहा था, और ऊपर से मम्मा कोजी फील कराने का चक्कर में वो गर्मी लगा दिया। तो ये मेरा आज का एक्सपीरियंस जो आप लोगों के साथ शेयर किया, अब आप लोग भी शेयर करना, है ना, ताकि हम लोग भी कुछ नया सीखे। हेलो बोलो, हाय, ये सब कट कर देगा ऐसे भी डेटा, समझा, कट कर देगा, दिखा कर देगा, कट कर देगा, ये जब इंटरेस्टिंग नहीं है ना तो डेटा ये सब कट कर देगा, समझो। मतलब ये बाप बेटा लोग मिलके मेरा जान ले ही लेगा। तो ये रहा कान्हा, सोया नहीं, खेल रहे, ठीक है। हाँ कान्हा, चलो घूमी घूमी चलो, घूमी घूमी इसलिए क्योंकि नितिन आज जैकेट ले जाने भूल गया, तो अभी हमको बोलता है कोई नीचे जाने वाला आदमी क्या, हमको यहाँ में कैसे पता चलेगा घर में बैठा हुआ कि कौन है नीचे जाने वाला आदमी। तो हम बोला ठीक है तुम आओ, हम ही गाड़ी का चाबी और जैकेट लेके जाते हैं, तुम आ जाओ, हम लोग अभी घूमना हो जाएगा, चलो जाके उससे मिल के आता है, ऐसे तो सुबह जाने के बाद तो कहाँ मिलना होता है, अभी मिल लेता है। चलो चाबी, जैकेट, मोबाइल और कान्हा, सब एक साथ आ जाओ। आप तो तीनों कसम खाया क्या कि मम्मा को आराम नहीं देना है, दिख रहे डैड आपको, हाँ देखते लो, नहीं लगा भी, हम बाहर चाबी उसके अंदर है, चाबी उसके अंदर है, चाबी गिरेगा, हम बाहर से आया हुआ अभी नहीं लगा, ठीक है चलो बाय। हाँ, इसका डायपर भी लीक हो गया रास्ता में, क्या बोल रहे, जल्द चेंज कर दो, ठंडा लगेगा नहीं। हाँ। चलो कान्हा टाटा।
इतना बदमाश है, उठ गया भाई। हाँ। नहीं सोया तो नहीं सोया। इतना अच्छा से सोया तुम कल, बोला मम्मी इतना अच्छा से सोया तुम, सो जाओ आज, सोना ठीक है, सोएगा, खेलना है एकदम जिद। ठीक है, सो जाओ, जाके जाओ, बाय बाय बाय। हैप्पी डायपर चेंज होने के बाद खुशी देखो। डायपर चेंज हो गया क्योंकि रास्ते में जाते हुए इसका डायपर लीक हो गया, तो चीकू भी उठ गया। चीकू उठ गया, चीकू उठ गया, आइए आइए, दिखा दे, दिखा दिखा, लाल लाल टमाटर मेरा। तो ये बन रहा है अभी लाल चाय मेरे लिए और माँ के लिए। अभी हम लोग लाल चाय पिएगा क्योंकि माँ को अभी सोने नहीं मिला, तो इस टाइम में हम लोग लाल चाय पीते ही जब सोने नहीं मिलता है। तो यस, लाल चाय, और इन लोगों को खिलाएगा अभी हम ओटी। बिस्किट देके शांत करके रखा है, जब तक हम लोग का चाय हो जाता है फिर इन लोगों को हम ओटी खिलाएगा। ओए आज क्या ब्लॉग बना रहे, मेमोरी फुल कर दिया, इतना ही ब्लॉग बना है आज, हैं? बाप रे, आज एडिटिंग में फटेगा मेरा, क्या ही मतलब ब्लॉग बनाया, मेमोरी कार्ड फुल कर दिया। तो अच्छा इसलिए फुल हो गया। तो वैसे भी रात का बज रहा है 10:44 और इन लोग उठ गया, अभी देखता है कब सोएगा, उसके बाद एडिटिंग में लगेगा। ए पार्ले जी खाएगा ना चीकू? हाँ ले पार्ले जी ले लो। हाँ पार्ले जी खाएगा ये। कानू पार्ले जी, ए कानू पार्ले जी, पार्ले जी लो, लो लो पार्ले जी। दादू को मिल गया और क्या चाहिए उसको। हाँ चीकू ये भी ले ले पार्ले जी, दो हाथ में दो बिस्करी पार्ले जी, दोनों रुको तो नानी पड़े वो उठा ले, रुको रे, तब लो, देखो तो इसको, ये भी लो, हाँ बिस्कुट ये भी लो, ले लो और कुछ, ये गया बिस्कुट गुड़ा हो गया। दिन भर हम लोग को तो देखता नहीं इन लोग, तो इसलिए अभी उठ के मजा ले रहे हैं ना, है ना कानू? डूब डूब अरे डूबू क्या था ये, क्या था? जा गुड नाइट, सो जाओ अभी जाके, सोएगा ना, सोएगा ना, चलो चलो जाओ जाओ चीकू, टाटा। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 1:34, जस्ट वीडियो एडिटिंग कंप्लीट। तो वीडियो अगर कुछ भी अगर अच्छा लगता है ना, एक लाइक करना नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट कर, तो डू व्हाट यू लव टू डू एंड एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। अपना ख्याल रखना, कल मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।